वेलकम बैक। देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो सेंट्रल ऑर्बिट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था और आज भी हम लोग देखेंगे। डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, आपको इसको अच्छे से करके जाना है। और कुछ तो बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है जो आपको अच्छे से याद रखना है, तो आप उसको कम टाइम में कर पाओगे, राइट। देखते हैं वन बाई वन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ मोशन अलोंग सेंट्रल ऑर्बिट। अगेन देखो सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में आपसे पूछा है कि लीनियर ऑर्बिट का जो एक्सप्रेशन होता है वो कौन होता है। यहाँ पे सारे ही यूजुअल मीनिंग है। तो पोलर कर्व के लिए देखो यूज़ किया गया है, राइट। और u इज इक्वल टू 1/r लिया जाता है, जहाँ r क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है r साइन फाई। ओके, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट क्या होता है, r साइन फाई होता है। जस्ट लास्ट लेक्चर में ही लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि ये अगर हम लोग बात करें, राइट, तो ये कोई कर्व है जहाँ पे कोई पॉइंट पी आर थीटा है। तो ये आपका जो येलो लाइन है ये आपका रेडियस वेक्टर है, इट्स मैग्नीट्यूड इज r, राइट। इट मेक्स थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस, फाई इज द एंगल बिटवीन दिस रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, और दिस कैपिटल P इज द एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन विच इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर इन केस ऑफ ऑर्बिट मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट मोशन, राइट। एंड दिस स्मॉल p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू दी टेंजेंट। तो इस p का वैल्यू r साइन फाई है। ये तो आपको ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, और हम लोग ये देखे थे कि हम लोगों का जो है फाइनली क्या आता है, पी भी इक्वल टू h आता है। दैट मीन्स v इज, दैट मीन्स लीनियर वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। ये सारा कुछ हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। उसी के आगे हम लोग इसको लेके बढ़ेंगे। सो p इज इक्वल टू r साइन फाई, एक तो ये रिजल्ट याद रखो। एंड दूसरा क्या, दूसरा ये कि v इज इक्वल टू मेरा क्या आया था, v इज इक्वल टू मेरा आया था h बाई पी। ओके, इन दोनों को हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनली बहुत आसानी से बन जाने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² कॉसेक स्क्वायर फाई, राइट। और फिर कॉसेक स्क्वायर फाई को क्या लिख सकता हूँ, 1/r² 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, राइट। फिर देखो कॉट फाई क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि टेन फाई होता है हमारा r d थीटा बाई डी आर। सो कॉट फाई क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इट इज़ सिंपली dr बाई r d थीटा, राइट। तो अब यहाँ से आप देख पाओगे कि 1/p² का वैल्यू क्या आ जाता है जी, ये आ जाएगा 1/r² प्लस अगेन 1/r² एंड यूजिंग दिस वैल्यू वी सिंपली गेट dr बाई आर डी थीटा, राइट, होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख पाओगे कि 1/p² को मैं लिख सकूँगा, 1/r² को चलो कॉमन ले लेता हूँ, या ऐसा करता हूँ कि 1/r को u यूज़ कर लेता हूँ। तो सिंपली मेरा ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाता है u स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 1/r का पावर 4 बन रहा है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओके, u का पावर 4 हो जाएगा dr बाई डी थीटा, राइट, सही है, चलो, का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ और दिखाया था कि ये जो dr बाई डी थीटा है ना, इसको हम लोग किस में बदल सकते हैं, इसको हम लोग du बाई डी थीटा में बदल सकते हैं। क्योंकि देखो r इज इक्वल टू क्या है, 1/u है। तो dr बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली आपका हो जाएगा -1/u² du बाई डी थीटा, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो dr बाई डी थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/u² du बाई डी थीटा। इससे क्या होगा, इससे ये जो u स्क्वायर है ये आपका बन जाएगा u का पावर 4, चूँकि होल स्क्वायर है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं u में लिखूँ तो क्या आ जाता है, 1/p² इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर प्लस, आपको यहाँ पे सिंपली बचने वाला है du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, राइट। और ये देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपको याद हो तो ये सेमेस्टर वन में आप मैथमेटिक्स में प्रूफ करते हो फॉर द पोलर कर्व, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं ये कह सकता हूँ। अब कुछ करना नहीं है जी, यही पे काम चल जाएगा। सिर्फ आपको 1/p के जगह पे आपको भी का यूज़ करना है। तो 1/p को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ h बाई भी बाई एच, राइट, यस, भी बाई एच लिख सकता हूँ। तो भी बाई एच का मैं यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर आपका इधर क्रॉस में आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर। यही आपका एग्जैक्ट फार्मूला होता है फॉर द लीनियर वेलोसिटी। तो ये देख लो आपका ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन एक्चुअली दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। सो दिस वन इज़ करेक्ट ऑप्शन राइट। तो देखो इस तरीके से करना है, कुछ नहीं था ठीक है। इस कुछ तो आप सेमेस्टर 1 पे पढ़ते आ रहे हो बीएससी लेवल पे पोलर मैथमेटिक्स में, और आपको बस यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट यूज़ करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है जी, ए पार्टिकल जो है वो डिस्क्राइब करता है पाथ, इस तरह का पाथ डिस्क्राइब करता है। तो आपको लॉ ऑफ फोर्स बताना है राइट। तो देखो लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए तो बहुत सिंपल होता है। लॉ ऑफ फोर्स हम लोग निकाल लेंगे, कैसे करेंगे कुछ यहाँ पे करना नहीं है। आप क्या करो ना कि आप यूज़ कर लो R = 1/U। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका UN आ जाएगा, ये 1/AN हो जाएगा और cos n का उल्टा हो जाएगा आपका sec n थीटा राइट। अब देखो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख दो AN UN = sec n थीटा ओके। अब यहाँ से ना मेरे को कुछ करना नहीं है, du/dθ निकालना है ओके। तो du/dθ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो देखो आप चाहो तो यहाँ पे लॉगरिथम ले लो, टेक लॉग ठीक है। लॉग लेने से आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो लॉग का यूज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा N log U आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा प्लस N log A आ जाएगा ना। U इंटू भी में ब्रेक कर देंगे, इधर आपका आ जाएगा log sec n थीटा। अब आप डिफ्रेंशिएट करो तो आपका आ जाता है N/U। यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ठीक है, N/U राइट du/dθ। ये पूरा कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा तो इधर आपका हो जाता है राइट सेक का हो जाएगा 1/log का होगा 1/secant थीटा, और फिर सेक का क्या होता है सेक इंटू कॉस, तो n आपका कांस्टेंट हो जाएगा सेक n थीटा इंटू सेक इंटू tan होता है tan n थीटा राइट। ये हो गया, ये आपका अगेन यहाँ से देखोगा कैंसिल हो जाएगा, n n भी आप कैंसिल कर दो तो आपको फाइनली जो वैल्यू मिलता है वो मिल रहा है du/dθ = इधर आप चाहो तो u को क्रॉस कर दो इस u को, तो इधर आपका आ जाएगा tan n थीटा राइट। अब इसका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो तो वो क्या आ जाएगा, अगेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपका ये du/dθ, tan थीटा को रहने दीजिए फिर प्लस u को छोड़ देते हैं तो tan का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर n थीटा, साथ में आपको एक n भी मिलने वाला है ओके। तो अब यहाँ पे du/dθ का वैल्यू वापस ये पुटअप कर दीजिए, तो पुटअप करने से आपका क्या आ जाएगा, तो ये पुट कर देंगे तो हो जाएगा u tan स्क्वायर n थीटा हो जाएगा प्लस ये तो u के ही फॉर्म में है तो ये आपका हो गया nu sec स्क्वायर n थीटा। अब देखिए फाइनली जो हम लोगों का फार्मूला होता है लॉ ऑफ फोर्स के लिए वो क्या होता है, उसमें जो नेट एक्सीलरेशन होता है p राइट। तो p = हम लोग देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करके क्या आया था h² u² u प्लस d2u/dθ का स्क्वायर यानी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही फार्मूला होता है लॉ ऑफ फोर्स का। लॉ ऑफ फोर्स अगर आपको निकालना है ओके सेंट्रल ऑर्बिट में तो यही फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे कुछ करना नहीं है, पुटअप कर दीजिए h² u² u प्लस राइट। अब देखो यहाँ पे ये पूरा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इसको भी डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो u tan स्क्वायर n थीटा प्लस nu sec स्क्वायर n थीटा ये आ गया जी। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये sec स्क्वायर थीटा होता है, इसको भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, ये होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। सो यूज़ दिस एंड टेकिंग u कॉमन हीयर तो आपका क्या आ जाएगा h² u², ये आपका बन जाएगा u sec स्क्वायर n थीटा राइट। और प्लस यहाँ पे आपका क्या है nu sec स्क्वायर n थीटा है। अब देखो u मेरा अगेन कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका h² u³ और यहाँ पे 1 + n लिख देते हैं और sec स्क्वायर n थीटा को भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरा फाइनली जो है वैल्यू आ गया। तो आप देख पाओगे ना कि यहाँ पे जो sec n थीटा ये आ गया ठीक है। अब देखो यहाँ पे sec n थीटा का जो वैल्यू है ना वो आप यहाँ से पुटअप कर लो, क्योंकि a n u का पावर n ये क्या है ये आप देखोगे तो sec n थीटा आया था यहाँ पे हमारा, तो यहाँ से मैं sec n थीटा को a n u n लिख देता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका p का वैल्यू आ जाएगा h² u³ राइट 1 + n और ये आपका आ जाएगा a का पावर n और u का पावर n ठीक है। इसका पूरा स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि आप देखो sec n थीटा क्या था, sec n थीटा था आपका a n u n था, तो a n u n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आ जा रहा है h² u का पावर क्या हो जाएगा जी, यहाँ से 2n और +3 ये हो जा रहा है, साथ में आपका a n और 1 + n ये आ रहा है। ये मेरा p आ गया। अब आप देखोगे कि जो कैपिटल p है ना तो यहाँ पे सारे ही कांस्टेंट हैं, h आपका कांस्टेंट है, a आपका कांस्टेंट है, 1 + n भी कांस्टेंट है। तो ये आप कह सकते हो कि ये सिंपली क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू यू का पावर 2n+3 आ जा रहा है। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर 2n+3 बिकॉज r इज वाट, r इज 1/u। तो फाइनली जो लॉ ऑफ फोर्स है आपका ये आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, दिस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, आप बस आसानी से इसको डील करोगे तो आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। इसी तरह का देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ आपको ताकि साफ साफ दिखे। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे अगेन आपको लॉ ऑफ फोर्स पूछा है फॉर दिस आर। राइट, तो यहाँ पे आपको ये आर दे दिया है। ठीक है, तो अब आप इससे काम कर पाओगे। अच्छा, मैं एक पहले चीज़ बता देता हूँ आपको कि अभी जो मैंने रिजल्ट निकाला ना, इस रिजल्ट के हेल्प से आपको इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट कर्व भी आपको देता रहता है। मान लो कि आपको सपोज करो आपको कभी दे देगा कि r² = a² कॉस एन थीटा, कि इस ट्रैक पे पार्टिकल जो है बॉडी जो है मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, आपके पास में रिजल्ट है, तो आप सिंपली क्या करना, n के जगह पे आप 2 पुट कर देना। ठीक है, तो इस तरह का कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ध्यान देना, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है। राइट, और रिजल्ट याद नहीं रहे तो डेफिनेटली बहुत कुछ याद तो नहीं रख पाओगे, तो बहुत जल्दी आप इसको कर पाओगे। थोड़ा देखो मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन तो टाइम लेता है, तो आपको एग्जाम में स्ट्रेटेजी प्लान करना है कि कितना हमको मैथमेटिकल फिजिक्स करना है, कितना हमको ओरिजिनल मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आ रहा है उसे करना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग डेफिनेटली उतना ही करेंगे जो अच्छे से जानते होंगे, और टाइम के अंदर हमको कुछ रिजल्ट भी याद होगा और कुछ को हम ईजिली कर पाते होंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान आपका करना, ये आपका काम रहता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में अगेन आपको क्या है, 3 में अगेन आपको लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है फॉर दिस कर्व। तो ये भी आप इजीली कर पाओगे, कोई इशू नहीं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको r = a e का पावर थीटा कॉट अल्फा दे रखा है ना। तो अगर मैं u लिखूँ तो कि u से स्टार्ट करना होता है आपको, तो ये हो जाएगा 1/a और यहाँ पे हो जाएगा e का पावर, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ ना, -k थीटा ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि k क्या है मेरा, k जो है मेरा ये कॉट अल्फा है। तो पावर माइनस में हो जाएगा जहाँ पे हम आप इसको लेंगे, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। और u = 1/r होता है, सो वी कैन डू इट। अब देखो यहाँ पे जो du/dथीटा है वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा -k/a e का पावर -k थीटा, ये आ जाएगा। और जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर प्लस हो जाएगा +k² ए का पावर -k थीटा, ये हो जाएगा। राइट, चलो अब हो गया। अब देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, p जैसा होता है, मैंने आपको बताया था कि h² u² होता है, u प्लस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, यही होता है। ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स। तो अब आप यहाँ पे पुट अप कर दो, h² हो गया ये u², u आपका क्या है, तो u का वैल्यू भी यहाँ पे डाल देते हैं, 1/a है, e का पावर -k थीटा है। और ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका आपका आ गया है राइट, प्लस k² a e का पावर -k थीटा, ये आ जा रहा है। ठीक है ना, तब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कुछ हो नहीं रहा, सब तो कांस्टेंट ही आएगा आपको। यहाँ पे h² हो गया, u² हो गया। राइट, अच्छा अब यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे आपका 1 + k² ये आपका, और नीचे में a LCM और e का पावर -k थीटा ये आपका आ रहा है। ओके, अच्छा अब ये मैं कर लेता हूँ कि 1/a इसको मैं अगेन u यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका यह आ जाएगा h² u³ हो जाएगा, ये मैंने यूज़ कर लिया, ये मैंने यूज़ कर लिया, और आपके पास 1 + k² बचा जो कि कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि p यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो रहा है u³ का, यानी p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, 1/r³ का, सिंस u = 1/r। तो ये बहुत सिंपल सा, देखो इस तरह का रिजल्ट आपका निकल जाएगा। बस कुछ करना नहीं है आपको, जिस तरीके से मैंने बताया कि जो भी r दिया हुआ है u में कन्वर्ट करके, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके लॉ ऑफ फोर्स में पुट अप कर देना, फाइनली u वगैरह का यूज़ करके उसको समराइज़ कर लेना, तो आपको आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में मिस नहीं करना। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप PGT झारखंड की तैयारी कर रहे हो, झारखंड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो आप झारखंड में PGT के लिए, तो उसमें मैथमेटिकल साइंस का ये पूरा, मैथमेटिकल फिजिक्स का ये पूरा सिलेबस है। तो ये पूरा सिलेबस, पूरा मैथ का सिलेबस मैंने अपने एप्लीकेशन पे लगा दिया है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक लर्निंग आप कर पाओगे झारखंड PGT कोर्स का। राइट, एडवांस कोर्स के नाम से है, वहाँ पर काफ़ी जिनविन प्राइस में है, और बहुत सारे MCQs PDF के साथ मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड किया है, सब कुछ पढ़ाने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली आप उससे बहुत अच्छा कर पाओगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ से आगे पढ़ो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।